हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रीवियस जीएस के सेट, जो हमारा 68 सेट नंबर चल रहा है और ये आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे यहाँ पे लिंक्स होते हैं और लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी गिवन होते हैं, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखते हैं जी, आज पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ऊपर क्या है। लगाइए सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। सो पहला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, इनमें से कौन सी जो साइट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। क्लियर, ये मुझे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन है जी। तो इसमें से पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है वो कौन देता है, यूनेस्को। क्लियर, सो यहाँ पे यूनेस्को जो लिखा है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। चलो एक क्वेश्चन बताइए आप मुझे, ठीक है, एक मुझे क्वेश्चन बताइए कि चलो यूनेस्को के हेडक्वार्टर आप लिख के बताइए कहाँ पे हैं। यूनेस्को के हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अब यहाँ पे जो हैं साइट्स दी गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यूनेस्को जो होता है वो साइट्स के लिए बात करता है, और हमारे इंडिया में टोटल 38 साइट्स हो चुकी हैं, और 38 में हमारे तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं यूनेस्को द्वारा। वन इज़ द नेचुरल, प्राकृतिक, कल्चरल, और एक होती है मिक्स्ड। तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं साइट्स को। सो नेचुरल साइट होती है, नेचुरल साइट है हमारी 30, कल्चरल है हमारी 7, और मिक्स्ड कितनी है, 1। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, सॉरी उल्टा है, ये नेचुरल जो है 7 हैं और कल्चरल हमारी 30 हैं और मिक्स है हमारी 1। क्लियर, तो ये जो है हमारी टोटल है, और हमारी 38 साइट हो चुकी हैं, और 38 में दो शहर हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बता रखे हैं। एक है अहमदाबाद, जो हमारा 36 साइट था, और अभी जो है जयपुर सिटी को भी क्या बोला गया है, आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया है। अब बाकी यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं जी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अजंता केव। अजंता केव जो है आपकी, अजंता केव जो हैं ये कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये यहाँ पे 30 रॉकट केव्स हैं, 30 रॉकट केव्स। क्लियर, और ये 30 की 30 जो हैं, 30 की 30 जो हैं वो बुद्धिज़्म को बिलोंग करती हैं, बुद्धिज़्म। इतारे 30 की 30 बुद्धिस्ट रॉक्स हैं, और 30 की 30 रॉकट केव्स हैं बुद्धिस्ट। क्लियर, और साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जताका टेल्स के बारे में बात किया गया है, जताका टेल्स। सो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जताका स्टोरीज का मतलब क्या होता है, द प्रीवियस ईयर ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। क्लियर, तो जताका प्रीवियस ईयर ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बात करता है, और यहाँ पे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो है लाल किला, लाल किला बनाया था शाहजहां ने। ये शाहजहां ने कब बनाया था जी, जब इन्होंने आगरा से कैपिटल शिफ्ट करी थी, कब, आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी। और अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा आगरा का शहर किसने बनाया था, तो वो था सिकंदर लोधी। आगरा का शहर और आगरा कैपिटल पहली बार किसने बनाई थी, सिकंदर लोधी ने। क्लियर, लोधी एम्पायर के किंग ने। और उसके बाद जो है ये भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आपको अच्छा एक चीज़ और पता होना चाहिए, शाहजहां के टाइम को हम क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है शाहजहां के टाइम को। और थर्ड ऑप्शन लिखे जी विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो क्वीन विक्टोरिया के जो उपलक्ष्य, मतलब उनके ऊपर बनाई गई है, और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, कोलकाता में। एंड दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आंसर क्या बना हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी है जहाँ पे लिखा हुआ है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम में है, काजीरंगा जो है वो असम में है। क्लियर, और ये किसके लिए मशहूर है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। क्लियर, तो काजीरंगा जो है असम में है, और असम में तो और भी है जी, मानस भी है, औरांग भी है, तो दीज आर ऑल्सो द आपके जो है नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे। क्लियर, तो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क है, और काजीरंगा जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिख है। क्लियर, तो ये सारे ऑप्शन बने, तो आंसर आपका, आंसर क्या बना जी, सी ऑप्शन, विक्टोरिया वाला। क्लियर, सो विक्टोरिया जो मेमोरियल है ये क्वीन विक्टोरिया के उनके उपलक्ष में उनको डेडिकेट है, लेकिन ये हमारे देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। क्लियर, और टोटल जो हैं 38 साइट्स हैं हमारे इंडिया में। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए।
अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव्ड बाय द अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन द्वारा जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा रिसीव किया गया है? हमारे इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको पता है जी कौन सा है? भारत रत्न। क्लियर। सो भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लेकिन जो अमिताभ बच्चन जी को मिला हुआ है वो कौन सा सिविलियन अवार्ड है जो भारत रत्न के नीचे है? वो है जी पद्म विभूषण। क्लियर। सो पद्म विभूषण जो है उनको मिला हुआ है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन। इसका भी आंसर क्या बना? सी ऑप्शन, पद्म विभूषण। और उनको आई थिंक 2015 में मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन, सेकंड का सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफाई करता है और डाइजेशन की चीज़ों के लिए चीज़ें जो हैं वो उत्पादन भी करता है, पाचन का क्रिया चल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से पहले तो हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं? आपकी लार ग्रंथियाँ। और इसमें जो है हमारी तीन सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, वन इज पैरोटिड, वन इज सब मैंडिबुलर और एक होती है सब लिंगुअल। दीज आर थ्री सलाइवरी ग्लैंड। और यहाँ से सलाइवा निकलता है, और सलाइवा जो है हमारी पीएच होती है 6.8 पीएच। क्लियर। और ये एसिडिक है, और इसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, जिसको आप टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। और ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, और लेकिन पैरोटिड की अगर इन्फेक्शन हो जाए तो मम्स प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। तो ये याद रखना है आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कोई डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट लिखा हुआ है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वो हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि हमारी इकलौती बॉडी के अंदर। और पैंक्रियाज के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है। यहाँ से तीन एंजाइम निकलते हैं, अमाइलेज हमने डिस्कस किया हुआ है सारा, ये ट्रिप्सिन और लाइपेज। और ये तीनों एंजाइम जो है, एमिलेज जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन की डाइजेशन, लाइपेज जो है आपकी फैट की डाइजेशन करता है। लेकिन एंडो में तीन फंक्शन है जी, आगे तीन हार्मोन निकलते हैं आपके, इंसुलिन। अच्छा, ये हार्मोन निकालता है एंडो वाला पार्ट, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन। क्लियर। और ये इंसुलिन क्या करता है? ये करता है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है, ये उल्टा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। और ये क्या करता है? इनकी एक्टिविटी मेंटेन करके रखता है सोमेटोस्टैटिन। क्लियर। तो ये आपको एंडो वाला पार्ट हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है जी आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड जो है हमारी। इससे निकलता है हार्मोन थायरोक्सिन, और ये अगर इसकी कमी हो जाती है, थायरोक्सिन कमी होगी, आयोडीन, आयोडीन जो है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल रखता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर हो सकता है। तो अगेन ग्वाइटर इज रिलेटेड विद द थायराइड ग्लैंड। क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा जी लीवर। सो लीवर इसका एग्जैक्ट आंसर है। सो लीवर में कैसे देखना, दिख रहा है क्वेश्चन। सो लीवर जो है, लीवर जो है सबसे बड़ी हमारी क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और प्लस यही लीवर ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफाई कर रहा है सारी चीज़ों को और हमारी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। सो इसका आंसर जो है लीवर बनेगा। और ये सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गन है जिसकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे ग्लाइकोजन भी क्या रहता है, स्टोर रहता है। और यहाँ पे आपका दो आपके प्रोटीन बनते हैं, हेपरिन और फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन जिसे आप कहते हैं। हेपरिन क्या करता है, हेपरिन क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं करने देता, लेकिन नहीं करने देता, नो ब्लड क्लॉटिंग। कब? इनसाइड द बॉडी, अंदर बॉडी के। लेकिन फाइब्रिनोजन जो है ये क्लॉटिंग करता है, ब्लड को रोकता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड। क्लियर। और ये जो लीवर है, बच्चों के जो आरबीसीज होते हैं वो लीवर में बनते हैं, और हमारे जो बनते हैं वो हमारे स्प्लीन में बनते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ रिलेट कर जाती हैं, तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन में कौन काम कर रहा है जी, लीवर। और प्लस लीवर जो है आपका क्या करता है जी, लीवर क्या करता है, यूरिया भी बनाता है और ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है। और ग्लाइकोजन जो होती है हमारी रिजर्व एनर्जी होती है, और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, ग्लूकोज। सो इसीलिए जो ऑप्शन बना, डी ऑप्शन बनेगा इसका राइट आंसर, लीवर। क्लियर। लीवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, NaHCO3 जो है वो किसका फॉर्मूला है, NaHCO3 ये किसका फॉर्मूला है?
सो देखते हैं ये किसका फॉर्मूला है, NaHCO3 किसका फॉर्मूला है, NaHCO3 जो फॉर्मूला है वो है जी आपका बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा, और एक फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2O, ये होता है जी वॉशिंग सोडा का, कपड़े धोने वाला सोडा, क्लियर। और आपको मैंने बताया हुआ है जो सोप्स होती हैं, जो साबुन होती हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सोडियम एक पोटाशियम। जो हमारे जो कपड़े धोने वाली होती है उसमें सोडियम आयन होते हैं, और नहाने वाली में बाथ में किस में बाथ वाले साबुन में वो होती है पोटाशियम आयन, क्लियर, ये ध्यान रखना। और प्लस यहाँ पे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बोरेक्स। बोरेक्स किसके काम आता है, जितने भी स्टेन वगैरह होते हैं लगे, ठीक है, स्टेन्स लगे होते हैं, और जितने भी एंट्स वगैरह होते हैं, चींटियाँ वगैरह, उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। विनेगर लिखा हुआ है, विनेगर जो होता है सिरका, जो जिसके अंदर क्या कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, इसको हम और क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इथेनोइक एसिड, क्लियर, और ये खाना वगैरह में काम आता है। नेक्स्ट है लाइम। लाइम जो है आपका लाइमस्टोन से बनता है, इनके पिघलने से, और प्लस ये है जी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, और लाइम होता है CaO और CaOH2, क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, स्लेक्ड लाइम, क्लियर। तो ये जो लाइम है वो एक्चुअली हम CaO को ही कंसीडर करके चलते हैं, बट आप मुझे बताएंगे स्लेक्ड लाइम क्या होता है, सारी चीज़ें क्या हैं, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा आंसर बना जी आपका, ये आंसर बना आपका बेकिंग सोडा, क्लियर। डी ऑप्शन क्या बना, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से किस एलिमेंट का, इनमें से किस एलिमेंट का जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो आसानी से पिघल जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जब ये क्वेश्चन आते होते हैं ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को, क्लियर। अब इसमें ऑप्शन में आपका आंसर है जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो ऑप्शन में दिया गया है, हाइड्रोजन इज द आंसर, डैट मीन्स बी ऑप्शन। लेकिन अगर बाई अदरवाइज सबसे स्मॉलेस्ट जो है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मरकरी का, क्लियर। और मरकरी से जो प्रॉब्लम हो, मरकरी, ठीक है, और अगर अच्छा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, मरकरी इज अ मेटल डेट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इसके अलावा जो है मरकरी के अलावा जो है ब्रोमीन भी क्या है, लिक्विड होती है, और मरकरी इसी कंजम्पशन से कौन सी डिजीज होती है, मिनी माटा डिजीज, क्लियर। और मरकरी की और कौन सी है, सिनाबार, ये याद रखना आपको, क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ टंगस्टन का ये होता है आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसका होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर। तभी ये बल्ब के अंदर जो लगी होती है, वो टंगस्टन की वो लगी होती है, और इसे रीजन क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्लियर। सो आंसर क्या बना जी इसका, बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कहाँ पे किसके द्वारा जो है डेवलप करी गई है, वॉज डेवलप्ड बाय, क्लियर। ये जो है और डेवलप्ड बाय क्या है, डेनिस रिची। सो आंसर क्या बना जी इसका, डी ऑप्शन, डेनिस रिची, सी प्रोग्राम। ये आपको क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, कोई क्वेश्चन आपके बीच बीच में स्टैटिक हैं वो आपको याद ही करने पड़ने हैं, ठीक है। तो आंसर बना यहाँ पे डेनिस रिची, डी ऑप्शन। बट यहाँ पे जो चार्ल्स बेबेज लिखा हुआ है वो कंप्यूटर के हैं जी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के हैं, और लैरी वॉल जो हैं पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है जी जेम्स गॉसलिंग, ये जो हैं ये डिज़ाइनर हैं जावा प्रोग्रामिंग के, वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो है बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन, चौथा डेनिस रिची जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है। सो आपके आंसर बन गया जी डी ऑप्शन, डेनिस रिची। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका सितार का
कौन सा एक्सपोनेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसने जो है, अच्छा इसमें कौन सा प्रतिपादक है यानी कि लेजेंड है सितार के म्यूजिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे ऑप्शन से ही चलते हैं हम। पहले लिखा हुआ है भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जो है ना वो वोकलिस्ट हैं, गाते हैं, क्लियर। और कौन सा चीज गाते हैं जी, वो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो वोकलिस्ट हैं, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक करते हैं जी, वो क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, इट्स रविशंकर। इनको जो टाइटल है वो पंडित का टाइटल है और इनको सितार मिएस्ट्रो कहते हैं, मिएस्ट्रो यानी कि ये करते हैं जी आपके सितार वाले, क्लियर। और ये बंगाली एंड हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के अंदर जो है इनकी प्रतिभा है, बंगाली एंड हिंदुस्तान क्लासिक, बंगाली एंड हिंदुस्तान क्लासिक, क्लियर। और उसके लिखा हुआ है अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है वो सरोद प्लेयर हैं, सी ऑप्शन में सरोद प्लेयर हैं वो। चौथा लिखा हुआ है अल्लाह रखा। इनका जो नाम है एक्चुअली उस्ताद कुरेशी है, जो अल्लाह रखा है, अल्लाह रखा का दूसरा नाम क्या है जी, उस्ताद कुरेशी जी। और ये जो हैं ये पंडित रविशंकर के साथ जो हैं सितार बजाते हैं, उनके साथ कंपेनियन हैं, क्लियर। लेकिन एक्चुअली लेजेंड कौन है इनमें से, वो हैं पंडित रविशंकर, क्लियर। सो बी ऑप्शन क्या बना आपका राइट आंसर, पंडित रविशंकर। बट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक जो है वो प्रोमिनेंट करने वाले जो पर्सन हैं वो कौन है जिन्होंने इसका उदय किया है, जब बिलोंग करते हैं, डेट इज आमिर खुसरो, हिस्ट्री में जो हमारा नाम आता है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को और क्या बोलते हैं, हम पैरेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, पैरेट ऑफ इंडिया, डेट इज तूते ए हिंद, डेट मीन्स तोता, ठीक है, तोता वर्ड यूज होता है इनके लिए, पैरेट ऑफ इंडिया आमिर खुसरो, क्लियर। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने तबला और जो है सितार वगैरह के इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सब बजाए हुए हैं, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जो है इनका नाम बहुत बड़ा आता है। और निज़ामुद्दीन ओलिया के ये क्या थे, जो शिष्य थे निज़ामुद्दीन ओलिया के, क्लियर। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें आप लोग, नेक्स्ट लगाइए जी। डिमांड है इतनी और सप्लाई है इतनी, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है जी क्या है। अब यहाँ पे जब एक क्वेश्चन आता होता ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप दोनों चीज़ों को बराबर कर दो, तो आपके जो आंसर हैं वो निकल आते हैं। सो देखते हैं जी कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए, सो डिमांड कितनी है, डी इज इक्वल टू 25,000 माइनस 7P, इट्स 70P। यहाँ पे शायद ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में 7 लिखा होगा, 70 है। और सप्लाई कितनी है, 10,000 प्लस 80P, क्लियर। अब इन दोनों को बराबर कर दो, 25,000 माइनस 70P इजिकल टू 10,000 इजिकल टू प्लस 80P। तो इसमें क्या बना, 25,000 माइनस 10,000 इजिकल टू 80P प्लस 70P, इट मीन्स 15,000 इजिकल टू 150P, एंड मीन्स P इजिकल टू 100, ठीक है। P इजिकल टू क्या आ गया, 100 आ गया। अब ये P की वैल्यू ना इनमें से दोनों में से किसी में भर दो, 25,000 माइनस 70 गुना 100, 7,000, डेट मीन 18,000 यूनिट क्या आ रहे हैं आपके, इक्विवेलेंट आ रहे हैं, क्लियर। और चाहे दूसरे में भर दो, 10,000 प्लस 80P, तब भी 18,000 आएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या बना, 18,000, ए ऑप्शन क्या बना आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया था ना, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मतलब दोनों को बराबर करने के लिए बात बोली गई थी, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या आएगा आपका, 18,000 यूनिट, क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं जी, कौन कौन सी चीज़ों के कौन कौन से फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपके, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखते हैं क्या दो चीज़ें हैं। यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्योर कंपटीशन की चीज़ें हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या चीज़ है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट इन बोथ शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। ये क्या चीज़ होती है, यानी कि जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, उसने हमेशा बढ़ा के रखी हुई है। और हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइस जो होती है, जब हमेशा प्राइस डिसाइड करी जाए फर्म द्वारा,
ठीक है, और हमेशा उसकी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ही होगी, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। तो इसका मतलब क्या है, उसका ही बोलबाला चल रहा है मार्केट के अंदर। डैट मीन्स क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वो चल रही है जी मोनोपोली। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या है, वो किसके साथ लिंक करता है, मोनोपोली में, जहाँ पे एक बेचने वाला है और बाकी जो हैं सारे खरीदने वाले हैं, क्लियर। और इसमें इसका कोई सब्सिट्यूट प्रेजेंट ही नहीं है, और फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि एक ही बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, क्लियर। और लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पे रेलवे, इंडियन रेलवे, सो इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप कह दो कि हाँ मेरे मतलब 100 रुपये की टिकट है, कल को तुम धरना लेके बैठो कि हाँ जी 100 की 50 करो, वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर सारा रूल चल रहा है, वो सारा रूल कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कभी भी रेट बढ़ जाते हैं चीज़ों के, तो डैट इज़ अ मोनोपोली, क्लियर। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं मोनोपोली, जहाँ पे एक ही बेचने वाला है, बाकी सारे खरीदने वाले हैं, क्लियर। और प्राइस जो होगी वो हमेशा शॉर्ट रन लॉन्ग रन में जो होगी वो उसके द्वारा डिसाइड करी जाएगी, और वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ही होगी, क्लियर। अब यहां पे प्योर मोनोपोली आ गई। यहां पे दूसरा ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ है, जहां पे इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि प्राइस फेसेस हाईएस्ट इलास्टिसिटी डिमांड, जाने के आपका जो मार्केट में है, मार्केट के अंदर रेट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, इलास्टिसिटी डिमांड हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है, यानी कि ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इट मीन्स ये कौन सी चीज़ होती है, ये होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है मोनोपोली का है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का है। अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साबुन की बात करूँ, सोप की बात करूं, ठीक है। तो सोप जो है आपने देखा होगा, आप मार्केट में चले जाओ, आपको 5 रुपये से लेके 100 रुपये तक की क्या मिल जाएगी, साबुन मिल जाएगी, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो साबुन है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ रहा है, मतलब बहुत सारे बायर्स हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, कोई आए मार्केट में बेचने के लिए, कोई ना आए, ठीक है। वो डिपेंड करता है अगेन आपकी मार्केट के ऊपर, क्लियर। कोई आए कोई ना जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रेट होते हैं वो रेट डिसाइड कर लिए जाते हैं। और प्लस यहाँ पे नो डाउट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, 5 रुपये की चीज़ कुछ और होगी, 50 वाली कुछ और होगी, 100 वाली कोई और होगी, लेकिन क्लोज सब्सिट्यूट होते हैं, क्लियर, येट क्लोज सब्सिट्यूट, क्लियर। और यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट है मार्केट के अंदर जो है वो आपका चलता है, और यहाँ पे परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी है। फैक्टर मोबिलिटी का मतलब कोई आए कोई जाए, और इट मीन्स यहाँ पे आपको मार्केट कंडीशन प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए कि किस मार्केट में हम घुस के क्या कर सकते हैं, क्लियर। और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जहां पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बना जी आपका क्या, यहां पे जो ऑप्शन बनता है वो है आपका बी ऑप्शन, प्योर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, क्लियर। प्योर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, बी ऑप्शन। लगाइए जी अगला। हेलो, सो यहां पे देखिए जी आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर रिजर्व्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, देख लेते हैं जी। एक सेकंड रुकिए आप, ये क्वेश्चन आप हैंडल करिए कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बाकी मैं भी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे है ये, आप एक बार इसको हैंडल कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व स्टेट्स लिखी गई हैं तो उसमें हम 1-to-1 डिस्कस करते हैं जी क्या है। सो जो पहले लिखा हुआ है तेलंगाना, सो यहाँ पे आपके जो टाइगर रिजर्व हैं वो हैं, एक है कवल, एक है अमराबाद, दो टाइगर रिजर्व हैं तेलंगाना में, ए ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है उसमें तो बहुत सारे हैं, काना, पन्ना,
पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय दुबरी, सो दीज आर द टाइगर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश. क्लियर. और उसमें लिखा हुआ है जी आगे तमिलनाडु. तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में वो है अन्नामलाई, मुदुमलाई, ये सारे टर्म तमिलनाडु में है. क्लियर. और सत्यमंगलम भी यहां पे है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. क्लियर. और डी ऑप्शन देखिए जी, केरल. सो केरला में पेरियार है और परम्बिकुलम, ये टाइगर रिजर्व केरल में है. और यहां पे जो मैंने अमराबाद लिखा है आपका तमिल तेलंगाना के अंदर, अमराबाद जो है वो एक्चुअली दो चीजें हैं यहां से जुड़ी हुई. एक है नागार्जुना सागर, आपको याद होगा नागार्जुना सागर. अब नागार्जुना सागर जो है ये भी आपका क्या है जी, टाइगर रिजर्व है. जब आंध्र प्रदेश, आंध्रा और जो है तेलंगाना डिवाइड हुए थे तो नागार्जुना सागर भी डिवाइड हुआ था. अब जो डिवाइड होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. क्लियर. जो सेकंड पार्ट है नागार्जुना सागर का वो अमराबाद है जो आपका तेलंगाना में है, लेकिन जो पहला पार्ट है उसको नागार्जुना सागर ही कहते हैं, वो कहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में ही है. क्लियर. तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको. तो इसमें क्वेश्चन जो था अन्नामलाई के ऊपर था, तो आंसर क्या बना जी आपका, सी ऑप्शन, तमिलनाडु इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट लगाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इकोनॉमिकल मेथड है जो रिमूव करता है सॉलिड मैटर फ्रॉम द वाटर. कौन सा ऐसा इकोनॉमिकल मेथड है जो रिमूव करता है आपका सॉलिड मैटर फ्रॉम द वाटर. देखिए जी क्या है, आपके जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स हम डिपॉजिट करते हैं. आई मीन टू से कि जब हम चीज़ों की हम प्योरिफिकेशन करते हैं या फिल्ट्रेशन करते हैं, तब क्या होता है, एक सेडिमेंटेशन का भी एक प्रोसेस होता है जहां पे आपके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सस्पेंडेड कर दिए जाते हैं नीचे की तरफ. क्लियर. तो सस्पेंडेड अगर नीचे की तरफ हो गए आपके क्या सेडिमेंट्स, तो उसको क्या कहा जाता है, स्लज वर्ड भी यूज किया जाता है और सेडिमेंटेशन वर्ड भी यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है नीचे क्या रह गया, जो हावी चीज है वो नीचे रहेगी, पानी वाला पार्ट ऊपर रह गया. तो इट मीन्स दैट कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जहां पे आप सॉलिड को लिक्विड से आप क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. और दैट थिंग इज कॉल्ड द वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो सारी चीजें वाटर ट्रीटमेंट वगैरह में करते हैं तो उसको स्लज वर्ड भी यूज किया जाता है, स्लज, SLUDGE. क्लियर. जो वाटर ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं इस मेथड को, तो उसको स्लज वर्ड यूज किया जाता है. तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो है जी आपका सेडिमेंटेशन, डी ऑप्शन. क्लियर. डी ऑप्शन सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट, तेलंगाना स्टेट की कैपिटल का नाम बताइए जी. क्लियर. तो इसमें तो सीधा पता होगा जी, हैदराबाद. सो ए ऑप्शन क्या बना, राइट आंसर, हैदराबाद. नेक्स्ट लिखा हुआ है सिकंदराबाद. सिकंदराबाद जो है वो क्या है, ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद. सिकंदराबाद जो ऑप्शन है वो दूसरी सिटी है जी, ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद. थर्ड लिखा हुआ है विजयनगर. विजयनगर एम्पायर आपको पता होगा, विजयनगर एम्पायर तुंगभद्रा रिवर के नियर था. और प्लस विजयनगर को आज हम हम्पी बोलते हैं. विजयनगर किंगडम जो है संगमा डायनेस्टी ने बनाया था, संगमा वंश ने, हरिहर एंड बुक्का इन्होंने ये चीज़ इस्टेब्लिश करी थी. क्लियर. ये ध्यान रखना है. चलो एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, ये जो हरिहर एंड बुक्का हैं, इन्होंने राज इस्टेब्लिश कब किया, इन्होंने राज इस्टेब्लिश किया विजयनगर एम्पायर का. ये हरिहर एंड बुक्का जो है ये किसी की मिलिट्री में ऑलरेडी कमांडर थे, वो किसकी मिलिट्री में थे. क्लियर. मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ. दिल्ली सल्तनत का कोई शासक था, दिल्ली सल्तनत का एक किंग था जिसके दरबार में ये दोनों राजे जो विजयनगर एम्पायर को जिन्होंने फाउंड आउट किया है उनके दरबार में कमांडर थे. क्लियर. तो ये आप मुझे बताएंगे. नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है आपका विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम तो आपको पता है जी किसकी कैपिटल है, इट्स सिटी एक्चुअली विशाखापट्टनम इज ए सिटी इन द आंध्र प्रदेश. क्लियर. ये ध्यान रखना. और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती. क्लियर. याद रखिए.
सो इसका मतलब ऑप्शन क्या बना जी आपका ए ऑप्शन. क्लियर, वन ऑप्शन इज द राइट आंसर ए ऑप्शन. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा बीरबल वॉज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ. बीरबल जो है वो किसकी कोर्ट में जो है वो एडवाइजर था. देखिए जो बीरबल है ना इसका जो ओरिजिनल नेम है इसका ओरिजिनल नेम है महेश दास. क्या नाम है महेश दास. क्लियर, बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या है महेश दास है. अब बीरबल को राजा बीरबल बोला गया था. ये राजा जो टाइटल था वो भी अकबर ने दिया है. अकबर ने एक जो धर्म स्टार्ट किया था दीने इलाही जहां पे सारी चीजें बातें करी गई थी धर्म के लिए बातें करी गई थी. अकबर ने ये सेक्ट स्टार्ट किया था सेक्ट बोर्ड यूज करते हैं और इस सेक्ट को अपनाने वाला अकेलौता हिंदू कौन था बीरबल. और ये जो है बीरबल जो है अकबर के नवरत्न में आता था यानी कि जो 9 जेम्स होते थे ना उनमें महेश दास बीरबल आता था. क्लियर, और यहां पे और लिख देते हैं जी बाकी से. अच्छा ऑप्शन तो पहले आंसर बन गया आपका बी अकबर. ठीक है अकबर के दरबार में था लेकिन बाकी जो चीजें वो देख लेते हैं. बाबर, बाबर के बारे में आपको पता है इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी 1526 में. 1526 में किसके अगेंस्ट लड़ी थी उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ. बुलाया किसने था दौलत खान लोदी ने और आलम खान ने. क्लियर, और प्लस इन्होंने जो है यहाँ पे पहली बार बॉम्ब बंदूकें गन पाउडर लेके आए थे हमारे देश में. उसको हैंडल कौन कर रहा था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा हैंडल कर रहे थे गन पाउडर को. क्लियर, बाबर की जो डेथ हुई थी वो हुई थी आगरा में पहले दफनाया गया आगरा से उठा के इसको काबुल लेके गए. क्लियर, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी क्या है तुजुके बाबुरी जो टर्किश लैंग्वेज में है लेकिन बाद में पर्शियन लैंग्वेज में किसने चेंज किया था पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था द आई फॉरगेट द नेम पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था अब्दुल रहीम खाने खाना. अब्दुल रहीम खाने खाना ने चेंज किया था पर्शियन लैंग्वेज में और इसका जो नाम था डेट वॉज बाबरनामा. उस टाइम पे बाबरनामा नाम था. क्लियर, जो पर्शियन में चेंज हुई थी तो डैट मींस ये हो गया जी. क्लियर, और उसके बाद लिखा हुआ अकबर. अकबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया. औरंगजेब, औरंगजेब जो है अब औरंगजेब को टाइटल था आलमगीर का. अब औरंगजेब ने आलमगीर का मतलब क्या है कि दुनिया कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को जीतने वाला. अब ये टाइटल लिया था जब दारा शिकोह अपने बड़े भाई को मारा था और इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी धर्मत की और समूहगढ़ की. समूहगढ़ की, क्लियर, ये ध्यान रखना. और उसके बाद जो है जहांगीर, जहांगीर ने भी अपनी क्या लिखी थी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या है तुजुके जहांगीरी. और आपके हिस्ट्री में मिडिवल इंडिया में दो ही आपके मुगल सल्तनत के अंदर लोग हैं किंग हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है. वन इज द जहांगीर वन इज द बाबर. क्लियर, ये याद रखना. और प्लस जहांगीर के दरबार में एक जंजीर लगी होती थी जिसको आप न्याय की जंजीर कहते थे जंजीर आदिल द चेन ऑफ जस्टिस. क्लियर, चेन ऑफ जस्टिस भी था जंजीर आदिल डेट इज जहांगीर. और जहांगीर जो है वो पेंटर किंग भी था पेंटर किंग. क्लियर, याद रखना. आंसर क्या बना बी ऑप्शन. नेक्स्ट हुमायूं टॉम जो है वो कहां पे लोकेटेड है. हुमायूं टॉम फटाफट आंसर दे दीजिए आप भी जिनको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर. हुमायूं टॉम जो है पहली बात तो हुमायूं जो है वो बेटा है बाबर का और ये एक ऐसा किंग है जो जिंदगी भर लड़ाइयाँ लड़ते गया है अपनी जिंदगी के साथ और प्लस पहले किंग था फिर शेरशाह सूरी ने इनको हराया था दोबारा से फिर ये राजा बना था विद द हेल्प ऑफ बैराम खान. क्लियर, और हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखी गई है जो उनकी सिस्टर ने गुलबदन बेगम ने लिखी थी. क्लियर, अब यहाँ पे टॉम की बात आती है तो टॉम जो है हुमायूं टॉम जो है वो कहाँ पे है वो है जी दिल्ली में. क्लियर, वो कहाँ पे है दिल्ली में. अब क्या था ये टॉम जो है कमीशन्ड किसने किया था कमीशन्ड बाय इनकी वाइफ हाजी बेगम. हाजी बेगम द्वारा क्या किया था कमीशन किया गया था लेकिन इसका जो डिज़ाइन था मिराग मिर्ज़ा
डिजाइन जो था वो किसने बनाया था, मिराक मिर्जा गियास और इनके बेटे सैयद मोहम्मद ने इसको डिजाइन किया गया था इनके द्वारा, कमीशनड बाय हाजी बेगम बट डिजाइन बाय मिराक मिर्जा गियास एंड सन सैयद मोहम्मद। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या बना जी आपका, ए ऑप्शन। क्लियर, दिल्ली। और दिल्ली में एक और है चीज, अच्छा हुमायूं ने दीनपना शहर भी बनाया था, दीनपना शहर, और लाइब्रेरी भी यहाँ पे बनाई थी जहाँ से गिर के वो मरा था। और दूसरा है यहाँ पे दिल्ली के अंदर ही लोधी गार्डन, आपको पता होगा लोधी गार्डन, वहाँ पे सिकंदर लोधी की क्या है, वहाँ पे सिकंदर लोधी का टॉम्ब है। क्लियर, और प्लस सिकंदर लोधी वही राजा हैं जिन्होंने आगरा का शहर बसाया था और आगरा जो है उन्होंने कैपिटल बनाई थी। क्लियर, और उसके बाद लिखा हुआ है जी आपका लिखा हुआ है आगरा, आगरा ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और आगरा में किसका टॉम है, सिकंदरा नियर आगरा वो है जी अकबर का टॉम वहाँ पे है, आगरा सिकंदरा नियर आगरा द अकबर टॉम। क्लियर, और यहाँ पे जो नूरजहाँ है, जो जहांगीर की वाइफ है जिसे आप नूरजहाँ के नाम से जानते हैं, वहाँ आगरा में उनका भी टॉम है इत्मादुद्दौला, वहाँ पे उनका भी टॉम है आगरा के अंदर। क्लियर, याद रखना है ये चीज़ें। तो आंसर क्या बना आपका, ए ऑप्शन दिल्ली। नेक्स्ट लगाइए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, द असेंबली लाइंस वॉज इन्वेंटेड बाय, ये क्वेश्चन ऐसे याद करने होते हैं आपको, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे इन्वेंशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं। असेंबली लाइन वॉज इन्वेंटेड बाय, असेंबली लाइन जो है रैंसम एली ओल्ड्स ने जो है इसको इन्वेंट किया है, डी ऑप्शन। इसको मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद करना पड़ेगा। क्लियर, और नेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे ऑप्शन में अलेक्जेंडर पार्क्स जो है उन्होंने पाक्सिन, जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है उन्होंने पाक्सिन, जिसे आप फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक कहते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। क्लियर, और उसके बाद लिखा हुआ है आपका इट्स ल्यूगी परमियर, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अर्थक्वेक वगैरह को जो है साइंटिफिक स्टडी करी हुई है। अच्छा अर्थक्वेक जो है आपके, अर्थक्वेक जो हम मेज़र करते हैं वो होते हैं जी एक ग्राफ होता है जिसे आप सीज्मोग्राफ कहते हैं। क्लियर, और जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको फोकस, और जहाँ पे उसका सेंटर में होता है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है उसको एपिसेंटर, और अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए मर्कली स्केल होता है जो आपका इंटेंसिटी को मेज़र करता है, और एक होता है रिक्टर स्केल जो दिस इज मर्कली एंड दिस इज इंटेंसिटी को मेजर करता है कितना हार्मफुल इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसीलिए आंसर क्या बना आपका, डी ऑप्शन, दैट इज रैंसम एली ओल्ड्स। नेक्स्ट लगाइए, इंस्ट्रूमेंट बताए हुए हैं जी कौन सा क्या चीज़ मेज़र करता है, तो पहले लिखा हुआ है इट्स बाथीमीटर। क्लियर, सो बाथीमीटर जो है ये क्या मेज़र करता है, डेप्थ ऑफ द ओशन। क्लियर, डेप्थ ऑफ द वाटर और द ओशन, इट्स बाथीमीटर डेप्थ ऑफ द वाटर इन द सी एंड एटसेट्रा। क्लियर, सी और द लेक्स। और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है इट्स कैरेनोग्राफ। कैरेनोग्राफ जो होता है ये मेजर करता है थंडर एंड लाइटनिंग। और तीसरा लिखा हुआ है साइनोमीटर। सियान वर्ड जो होता है ये हमेशा ब्लू के लिए यूज होता है, तभी तो हम जो है साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। क्लियर, साइन जो होता है ब्लू मीटर, सो ब्लू के लिए, सो साइनोमीटर किसके लिए है, ब्लू कलर मेजर करने के लिए, स्काई वगैरह का कलर मेजर करने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट लिखा हुआ इट्स बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ये बार वर्ड लिखा हुआ है, ये करता है जी प्रेशर को मेजर करता है, प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्लियर, अगर ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर गई तो आपका क्या आएगा, स्टॉर्म।
अगर धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो इसका मतलब क्या है, बारिश। अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो आपका आसमान क्या है, क्लियर। क्लियर, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। और प्लस आपको यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट बताना था आपको, अच्छा, द गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग किसे बोला जाता है, द गॉड ऑफ, जो हमारे हिस्ट्री में बोलते हैं गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, दैट इज इंद्र। इंद्र को और क्या वर्ड यूज किया जाता है, पुरंदर। क्लियर, और डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, महलों का तहस नहस करने वाला। अब कई बार आपको यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग के ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे बिजली गड़गड़ाहट होती है, ठीक है, तो जैसे बिजली गड़गड़ाहट होती है तो हमें पहले लाइट दिखती है या साउंड सुनती है। क्लियर, आपको इसमें याद क्या करना है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड किसकी ज़्यादा हुई, लाइट की। तो पहले हमें क्या दिखाएगी, हमेशा लाइट दिखाई देगी। क्लियर, बाद में साउंड सुनाई देती है। तो बिजली गड़गड़ाहट में पहले हमें लाइट दिखती है, फिर हमें उनकी साउंड सुनती है। क्लियर, याद रखना। ऑप्शन क्या बना यहाँ पे, साइनोमीटर, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। क्लियर, और ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों आता है, मैंने आपको बताया है सिंगल कलर का फिनोमिना जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द ब्लू कलर ऑफ द ओशन। क्लियर, ये सारी चीजें आपके ऐसे आएंगे। क्लियर, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फेरेड जो है, ये किसका यूनिट है, फेरेड। फेरेड यूनिट होता है जी आपका फेरेड यूनिट है आपका कैपेसिटेंस का, किसका, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी। क्लियर, ए ऑप्शन दूसरा लिखा हुआ है, आप ए ऑप्शन क्या आपका राइट है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रिएक्टेंस, जिसे आप रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ओम। बी ऑप्शन का क्या बनेगा, ओम। नेक्स्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होंगे, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, दैट इज मो, इट्स ओम इनवर्स और साइमन। तो तीन यूनिट हैं आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के। इलेक्ट्रिकल चार्ज, दैट इज कूलाम और कूलम। क्लियर, ये ध्यान रखना। सो ऑप्शन क्या बना जी आपका, ए आंसर, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, इसमें आप बताइए यूपीएससी का जो आर्टिकल है वो क्या है। देखिए, पहली बात तो आपके जितने भी पब्लिक यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक कोई आपका आर्टिकल नहीं है, आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है, जहां पे यूपीएससी और एसपीएससी की बात होती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है, जो आर्टिकल नंबर 315 से 323 आता है। इसीलिए जो ऑप्शन में बनेगा वो 315 आपका राइट आंसर बनेगा, दैट मींस ए ऑप्शन। क्लियर, बाकी जो ऑप्शन लिखे गए हैं आपके आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 का मतलब क्या है, बी ऑप्शन में, कि पार्लियामेंट जब भी चाहे वो स्टेट के ऊपर जो है कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो कानून बना सकती है जब भी चाहे। और ये जब भी का मतलब क्या है, जब भी चाहे का मतलब ये हमेशा, कब बना सकती है, एमरजेंसी सिचुएशन में, ओनली इन द एमरजेंसी सिचुएशन। क्लियर, आगे लिखा हुआ है आर्टिकल 300 क्या है, 300 में लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोसीडिंग्स यानी कि केस वगैरह जो होते हैं अगेंस्ट द यूनियन एंड द स्टेट, यहाँ पे जो केस वगैरह चलते हैं, प्रोसीडिंग चलती हैं, कार्रवाई चलती है, वो किसी भी चीज़ के, यूनियन के अगेंस्ट, यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट के अगेंस्ट भी चल सकती है। आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 में बात करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं स्टेट की या सेंटर की, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो किसके पास होती हैं, सारी की सारी प्रेजिडेंट के पास होती हैं। क्लियर, ये बात कौन बोलता है जी, ये किसके द्वारा बात करी जाती है, आर्टिकल 52 के द्वारा, कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो आपके प्रेसिडेंट के पास होंगी, या फिर किसके पास होंगी, जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, इसका सबऑर्डिनेट कोई पर्सन, इसने अपने नीचे कोई भी पर्सन को अपॉइंट किया है, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होंगी। क्लियर, तो आंसर क्या बना यहाँ पे, आर्टिकल 315 यूपीएससी के लिए। क्लियर, और यूपीएससी की जो अवधि होती है, जिनके जो पर्सन होते हैं उनकी 6 ईयर होती है, या फिर 65 ईयर एज, ध्यान रखना। क्लियर, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। क्लियर, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किसने डेवलप किया था, हमारे ऑब्वियसली बताया वेस्ट मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री सिस्टम।
देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है बोरोड फ्यूचर है, इट मीन्स हमने सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से ली हैं। अब बाहर से लेने का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान बना हुआ है वो मिक्स है सबके संविधानों का, और हमारा जो है 75% जो संविधान है यानी कि 3/4 वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बाकी जो ऑप्शन हैं वो देख लेते हैं, जैसे स्पेन है, स्पेन से हमने कुछ नहीं लिया, आयरलैंड ने लिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर हमने आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया जो लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या लिया हुआ है हमने, कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग में हेड कौन करता है हमेशा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अगर स्पीकर नहीं है तो आपका डिप्टी स्पीकर भी हैंडल करता है, जब आपके किसी भी बिल का 6 महीने की अवधि खत्म हो जाती है, 6 महीने के बाद क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, तो ज्वाइंट सिटिंग में हमेशा बैठता कौन है, स्पीकर बैठता है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूके, यहां से लिया गया है हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है यहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, क्लियर, और हेड ऑफ द स्टेट क्या है, प्रेसिडेंट, तो वो है आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और यहां से हमने और क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का हक ही रूल चलेगा, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे एक संविधान में एक ही नागरिकता का प्रावधान है, और प्लस सिंगल सिटीजनशिप के बाद रिट वर्ड यहाँ पे लिया गया है हमने, रिट जो है अगेन यूके से लिया गया, जहाँ जो हमारी आर्टिकल 32 में 32 आर्टिकल में 5 रिट है हमारी फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ यूएस से हमने लिया है लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, और प्रियम्बल लिया गया है, प्रियम्बल के बाद जो लिखा गया है जी हमारी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, ये सारी जो चीज़ें ली गई हैं जी आपके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पार्ट लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी थी, इट्स ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, जो किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने, क्लियर, ध्यान रखना, आंसर इज सी ऑप्शन, यूके, ये बनेगा जी ऑप्शन यूके। नेक्स्ट, सो अगला क्वेश्चन जो है ये जस्ट आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, प्रोफेशनल बाइक बॉक्सिंग मैच में 1997 में हैवीवेट चैंपियनशिप में, ठीक है, माइक टाइसन ने किसका खान जो है वो खा लिया था, काट दिया था, ठीक है, इट्स एवेंडर हॉलीफील्ड, ये याद रखना है आपको, बस ऐसा क्वेश्चन डाल दिया बीच में उन्होंने, बी ऑप्शन, क्लियर, ये याद रखना, इट्स एवेंडर हॉलीफील्ड। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये किसने बोला था, ये बोला था जी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, क्लियर, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, आंसर क्या बना आपका, ए ऑप्शन, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है कौन सी, विंग्स ऑफ फायर, क्लियर, विंग्स ऑफ फायर, और एपीजे अब्दुल कलाम ने एक मॉडल दिया था जिसको हम कहते हैं पूरा मॉडल, पूरा मॉडल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये आता है जी, इनका कॉन्सेप्ट था एपीजे अब्दुल कलाम का, ये क्या था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, इसका मतलब पता क्या होता है कि जो चीज़ें शहरों में हैं वो गाँव में भी दे दो, तो गाँव वाले जो होंगे वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे कहाँ पे, शहरों में, तो इसका मतलब गांव वाले गांव में ही रहेंगे, जब गांव वाले गांव में ही रहेंगे तो क्या होगा कि एट द एंड जो है हमारे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी अर्बन एरियाज में, जब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब क्राइम नहीं होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी, क्योंकि बीमारियां और सारी चीज़ें कब फैलती हैं, जब लोग इकट्ठे होते जाते हैं, क्यों, सैनिटेशन की तो प्रॉब्लम होगी वहां पे, क्लियर, तो ये बात करी थी पूरा मॉडल, डेट इज आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, क्लियर, सो ए ऑप्शन क्या बना आपका, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, इट्साइडियम गुआजवा इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ, ये तो आपको आंसर से वैसे ही पता लग गया होगा, ये जो है ऑप्शन क्या बनेगा, ये है जी गुआवा, अमरूद, ठीक है, सो ए ऑप्शन क्या बना, राइट आंसर, मैंगो लिखा, ए ऑप्शन क्या, राइट आंसर, मैंगो लिखा गया है मैंगीफीरा इंडिका, थर्ड लिखा हुआ है बैम्बू सोडिए, क्लियर, कुछ ऐसे ही नाम है इसका, इट्स बैम्बूस
ओईडीए, क्लियर। और उसके बाद है जैकफ्रूट, आर्टोकार्पस, इट्स आर्टोकार्पस इटीरोफाइलस, ये है जैकफ्रूट का नाम, क्लियर। और अच्छा एक चीज़ है, ये बाइनोमियल नॉमनक्लेचर है, यानी कि एक पर्सन का नाम दो से बना हुआ है। ये बाइनोमियल नॉमनक्लेचर जो दिया था जिसमें जीनस और स्पीशीज की बात हुई थी, ये किसने बोला था? ये बोला था लीनियस ने, और लीनियस ने जो है टैक्सोनॉमी के फादर हैं, ही इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लियर, याद रखना, ही इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जहाँ पे नाम क्लासिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें कर ली जाती हैं, क्लियर। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर, क्लियर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, आरबी कब नेशनलाइज किया गया था? आरबी जो बना था वो 1 अप्रैल 1934 को बना था, सॉरी 1 अप्रैल 1935 को बना था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1 अप्रैल 1935 को जब बना था तो ये सारा प्राइवेट खोला गया था, अंग्रेज़ों के अंडर था। नेशनलाइज का मतलब जब हमने नेशनलाइजेशन करी थी, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ और हमने इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगी, ये किया था 1 जनवरी 1949 को, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को, क्लियर। और प्लस आरबीआई इस्टेब्लिश करने के लिए हिल्टन यंग कमीशन बैठा था, हिल्टन यंग कमीशन जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेनली? आरबीआई के मेनली हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे हैं? कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, क्लियर, ये याद रखना। और प्लस आपका जो नेशनलाइजेशन के अभी हमारे जो है 50 साल कम्प्लीट हुए हैं, 19 जुलाई 1969 को पहली बार हमारे 14 बैंकों की नेशनलाइजेशन हुई थी, जहां पे 50 करोड़ हर एक बैंक में रखा गया था। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1980 के बीच में दूसरी बार नेशनलाइजेशन हुई, छः बैंकों की नेशनलाइजेशन हुई, जहाँ पे 200 करोड़ जो है हर एक बैंक में रखा गया था, 50 करोड़ ईच और आप में 200 करोड़ पेड अप कैपिटल, जिसे आप कहते हैं शेयर मार्केट के अंदर, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आंसर क्या बना आपका? बी ऑप्शन, 1949, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओटावा जो है वो किसकी कैपिटल सिटी है? ओटावा जो है किसकी कैपिटल सिटी है? ऑप्शन ही चलते हैं हम। पहले लिखा हुआ है फ्रांस, सो फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है जी? पेरिस। पहला ऑप्शन क्या है? पेरिस। दूसरा लिखा हुआ है नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। थर्ड लिखा हुआ है कनाडा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। फोर्थ लिखा हुआ है ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। तो ऑप्शन एक क्वेश्चन क्या है जी? ओटावा, ओटावा। तो आंसर क्या बन गया आपका? सी आंसर, ओटावा इज कैपिटल ऑफ कनाडा, क्लियर। सी ऑप्शन क्या बना राइट आंसर? कनाडा में एक शहर है जिसको आप कहते हैं मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल शहर है। ये किसके हेडक्वार्टर है? ICAO के, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन के, क्लियर। और मॉन्ट्रियल के नाम से एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो हमारे जो है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बात करता है, ओजोन होल के लिए बात करता है कि हाँ आपका जो इमिशन है उसको कम कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, बाकी जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको जो है आपको एक पिक्चर मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा लिंक्स हैं, आप देख लीजिए। और प्लस जो है यही लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, जब मैसेज पिन किया होगा उसको अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, क्लियर। सो मैं 2 मिनट के लिए वेट करूँगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको बात करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ जी जो पेंड्राइव कोर्स का बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, तो देखते हैं जी क्या चीज़ है, ठीक है, जैसे ही लॉन्च होती है तो मैं आपको बताऊंगा। सो ओके, चलते हैं जी फिर हम। टाइम थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कोर्स के कारण जो है, वैसे टाइम हमारा अब 8 बजे ही रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो आपको पहले पता लग जाएगा। थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रहा हूँ जिसके कारण जो है कई बार टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि आपकी जो क्लासेज है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लासेज, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ, क्लियर। सो कोशिश करेंगे कि टाइमिंग यही रखी जाए, 8 बजे ही रखी जाए हमेशा, तो बाकी देखेंगे क्या चीज़ आती है। सो
ठीक है, फिर हम चलते हैं जी। ओके, गुड लक, टेक केयर। बाकी जो बात करनी है तो आपको मैसेज कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। क्लियर, कुछ जेन्युइन चीज़ भेजा करो, ऐसे नहीं जो आंसर पता ही है। आप आंसर भी भेजते हैं और आप मुझसे पूछते भी हैं, ठीक है। कुछ जेन्युइन चीज़ भेजा करो, जो चीज़ें पता होनी चाहिए, ज़रूरी हो और किसी में डाउट हो। क्लियर, सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जो मैसेज पिन किया होता है वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डाउट सेंड कर देना। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।